कांग्रेस सांसद शक्ति सिंह गोहिल है हमारे साथ। सर, राहुल गांधी का ट्विटर हैंडल सस्पेंड है और कांग्रेस ये लगातार आरोप लगा रही है कि सरकार की ओर से इंटिमिडेट किया जा रहा है, जबकि ट्विटर ने ये फैसला लिया है। सरकार का कहना है कि ये ट्विटर का फैसला है। देखिए, राहुल गांधी जी उस दलित बेटी के न्याय के लिए आवाज उठाई खुद गए, चाहे किसान हो, चाहे राष्ट्र की सुरक्षा हो, चाहे महंगाई हो, पेट्रोल डीजल के दाम हो, या रोजगार देने की बात हो, राहुल गांधी जी देश की आवाज बने हैं। पार्लियामेंट में तो बहस होती नहीं, ट्विटर के प्लेटफॉर्म पे रखते थे। इनसे सरकार इतनी डरती है कि ट्विटर को डरा धमका के राहुल गांधी जी का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड किया है। अगर ये नहीं होता कमीशन और कमीशन के लोग वहां पे जिन्होंने सेम फोटोग्राफ्स डाली, भाजपा के नेताओं ने सेम फोटोग्राफ्स डाली, तो क्या ट्विटर के कानून राहुल गांधी जी के लिए अलग और भाजपा के नेताओं के लिए कमीशन के लिए क्या कोई दूसरे कानून है? तो शक्ति सिंह गोहिल ये कह रहे हैं कि ट्विटर का अगर ये नियम होता, ट्विटर का अगर आदेश होता, तो ये फैसला सब पर लागू होता, लेकिन सिर्फ कांग्रेस और राहुल गांधी पर लागू हो रहा है। इसका मतलब है कि सरकार ये फैसला करवा रही है। रविकांत, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।